हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पॉसिबल इलेवन के। यूट्यूब चैनल पे हम सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये मैच रिव्यू है सीएसके वर्सेस बैंगलोर के बीच में जो मैच खेला जाएगा, यानी कि आरसीबी वर्सेस सीएसके मैच देखने को मिलेगा। आई फील बहुत इंटरेस्टिंग जा रहा है फ्रेंड्स। आप जरूर हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाए जिसका नाम है पॉसिबल इलेवन ऐप। ड्रीम इलेवन आप खेलते होंगे जरूर, अगर नहीं खेलते तो किसी भी अदर फैंटेसी साइट्स पे आप पैसे इन्वेस्ट करते होंगे, उसके बाद पैसे कमाते होंगे या फिर डुबा भी देते होंगे। यही होता है ना फ्रेंड्स, हमारे यहाँ आपको फ्री एंट्री है। मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैच में फ्री गिव अवे है 1000 रुपये का। मतलब कि आपको जैसे अपने जाना है इस कॉलम, ये जैसे ये मैच सेक्शन है, इसे खोलना है टीम्स के ऑप्शन में। जो यहाँ पर टीम्स का ऑप्शन है फ्रेंड्स, इस टीम के ऑप्शन में जाके आपको बस सजेस्ट कर देनी है अपनी टीम। यहाँ पर सजेस्ट योर टीम का जो ऑप्शन है, वहाँ पर आपको अपनी टीम सजेस्ट कर देनी है और कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स। और फिर जैसा कि आपकी जैसी आपकी टीम वैसी आपको मिल जाएगी, आपको गिव अवे में मिल जाएगी। और अब मान लीजिए अगर आपको कुछ नहीं भी आता है फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं आता है टीम कैसे बनाना, नहीं आता, आप क्रिकेट जानते ही नहीं है, उसके लिए भी एक गिव अवे है फ्रेंड्स। मतलब कि हम बहुत अच्छे से पैसे कमा सकते हैं इस टीम ही सीखे ऑप्शन में। आप यहाँ पर लाइक कीजिएगा, दूसरों की टीम को भी लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, तो उसके भी आपको पैसे मिलेंगे। मतलब कि कुछ नहीं करना, बस दूसरों की पोस्ट को लाइक करना है और उसके लिए भी आपको पैसे मिलेंगे। और ऐसी ही जानकारी के लिए एक वीडियो है, लिंक जिसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ मैं, हाउ टू अर्न फ्रॉम पॉसिबल इलेवन ऐप, उसमें आप जाकर सारी जानकारियाँ देख सकते हैं। यूजुअल फ्रेंड्स, मैच के ऊपर आते हैं। सीएसके वर्सेस बैंगलोर का भी मैच होने वाला, काफ़ी बेहतरीन मैच देखने को मिलेगी, क्योंकि दोनों ही टीम बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है पर दोनों ही थोड़ा स्ट्रगल कर रही है। तो गिव अवे की मैंने बात कर दी, आप प्लीज़ जाके ज्वाइन हो जाइए। लिंक जो कि एप्लीकेशन का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे डाउनलोड कीजिए और रेफरल कोड यूज़ कीजिए कैपिटल वाई और कैपिटल टी, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा, 20 रुपये आपके अकाउंट में डायरेक्ट आ जाएंगे। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम्स प्रीव्यू बताऊँ तो फाफ डुप्लेसी वॉटसन ओपनिंग करते हुए देखेंगे। और वो फाफ डुप्लेसी तो पूरी सीजन में अच्छी बैटिंग की, काफ़ी तगड़े बैटिंग कर रहे हैं। वहीं वॉटसन की बात करो तो एक दो मैच से लय में आ गए हैं, काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। राइडू इंजरी के पहले अच्छी बैटिंग कर रहे थे, अभी भी थोड़ी ठीक ठाक बैटिंग हो जा रही है। पर धोनी ने डिसअपॉइंट किया पूरी आईपीएल में। सैम करन ने अच्छी गेंदबाजी कम बैटिंग की है, दोनों ही अच्छा किया है। केदार जाधव जो कि बहुत ज़्यादा ट्रोल हुए थे लास्ट मैच के परफॉर्मेंस के बाद, पर मुझे फिर भी लगता है कि वो एक अच्छे प्लेयर है और मेरे हिसाब से एक अच्छी इनिंग उनकी आनी बाकी है। फिर जडेजा ने अच्छी बैटिंग की थी लास्ट में पर जिता नहीं पाए थे। करण शर्मा लास्ट मैच खेले थे इन प्लेस ऑफ पीयूष चावला, पर मैं चाहता हूँ कि पीयूष चावला ही खेलिए, एक्सपीरियंस है उनके साथ। फिर शार्दुल ठाकुर और दीपक चहर इनके पेस अटैक। आरसीबी की तरफ से बात करो तो पर्टिकल और एलन फिंच दो अच्छे प्लेयर, दोनों अच्छी ओपनिंग करते थे लास्ट मैच में, दोनों ही बिखर गए थे। विराट कोहली अकेले बैटिंग किए थे, 43 रन मात्र बनाए थे, वो भी स्ट्राइक रेट कुछ 110 के आसपास का था, नॉट सो गुड। अदर्स प्लेयर की बात की जैसे कोई उतना इंप्रेसिव नहीं दिखा। ए बी डिविलियर्स कुछ मैचेस में काफ़ी अच्छे दिखे, विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं। मोइन अली खेला था लास्ट मैच, उतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं। सिराज और सैनी पेस अटैक हैं इनके। हेड टू हेड की बात करो तो 24 मैच खेले गए अभी तक, 15 चेन्नई जीता हुआ है और 8 आरसीबी जीता हुआ है। चेन्नई हैड अपर हैंड ऑन आरसीबी। चेन्नई की बात की जाए तो 6 नंबर और 5 नंबर के बीच में भिड़ंत होने वाली है। दोनों ही टीम आसपास ही है, पर बात की जाए तो आरसीबी का थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस है आरसीबी से सीएसके से अभी तक। ए बी डिविलियर्स अच्छे से कीपिंग के ऑप्शन में, टॉप ऑर्डर के ज़्यादा प्लेयर्स खेला ए बी डिविलियर्स। विराट कोहली डुप्लेसी आपके कैप्टनसी मटेरियल्स है। वाइस कैप्टन बात करो तो धोनी सैम करन, धोनी एक बड़ा पिक होगा फ्रेंड्स। चहल शार्दुल ठाकुर उसरू उड़ाना आपकी टीम में, विकेट टेकिंग और बॉलर्स के ऑप्शन है। फाफ डुप्लेसी सैम करन वॉटसन कोहली ए बी डिविलियर्स और चहल आपकी टीम में जरूर होना चाहिए। ग्रैंड लीग की बात करो तो एलन फिंच आपके स्मॉल लीग में भी एडजस्ट हो सकते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करो तो शेन वॉटसन डुप्लेसी एम एस धोनी सैम करन डेविड पर्टिकल एलन फिंच विराट कोहली ए बी डिविलियर्स। पिच रिपोर्ट की बात करूँ फ्रेंड्स तो ये मैच दुबई में खेला जाएगा, थोड़ा बड़ा ग्राउंड है एज़ कम्पेयर टू शाहजहाँ या अबू धाबी से, हल्का सा नॉर्मल ग्राउंड है पर थोड़ी बॉलर्स को ज़्यादा मदद करती है यहाँ की पिच पर। फिर भी 180-190 का स्कोर देखने को मिल सकता है, बाकी कोई संभावना नहीं है फ्रेंड्स। चलते हैं हम ड्रीमलैंड में टीम बनाने के लिए। फ्रेंड्स आपके सामने हम आपके सामने लाइव टीम बनाएंगे तो बहुत बेहतरीन टीम बनाने की कोशिश करेंगे। डिविलियर्स आपकी टीम में ज़रूर होने चाहिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छी बैट्समैन अच्छी कीपिंग भी कर ले रहे हैं। अभी तो धोनी के बारे में बात करेंगे लास्ट में, अभी तो हम कोर टीम बनाएंगे। विराट कोहली आपकी टीम में होने तो चाहिए फ्रेंड्स, पर हम डुप्लेसी को ऐड ऑन करेंगे क्योंकि एक हाई क्रेडिट इशू होने का चांसेस है। राइडू भी एक बेहतरीन प्लेयर, देवदत्त पर्टिकल एक चीप रेट में अच्छे प्लेयर मिल जाएंगे जिन्हें आप टीम में रख सकते हैं। अगर अदर ऑलराउंडर्स की तरफ बढ़ूँ तो फिर सैम करन एक अच्छी ऑप्शन जो कि आपकी टीम में होने चाहिए। इसके अलावा और कोई उतना बड़ा नाम नहीं है जो कि टीम में रहना चाहिए। युजवेंद्र चहल है जो आपकी टीम में ज़रूर रहना चाहिए। बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करो तो फिर उसरू उडाना है। नवदीप सैनी ठीक ठाक बॉलिंग करते हुए दिखे पर उतनी इंप्रेसिव नहीं दिखे। दीपक चहरा का आप चाहे तो अपनी टीम में रख सकते हैं या फिर शार्दुल ठाकुर के साथ जा सकते हैं। तो फिर करण शर्मा एक अच्छे पिक है, लास्ट मैच में अच्छी गेंदबाजी की
ठीक ठाक अच्छी खासी बोलिंग है इनकी भी। तो फ्रेंड्स बात करूँ तो हमारे पास चार प्लेयर बाकी है, तो चार प्लेयर में हम एक अगर धोनी को ऐड ऑन करते हैं, धोनी या फिर मान लीजिए विराट कोहली को ऐड ऑन करते हैं, एरन फिंच को ऐड ऑन करते हैं, तो फिर हमारे पास 8.5 का एक प्लेयर बचेगा जिसे आप ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं, जैसे कि मोइन अली को ले सकते हैं, एक इम्प्रेसिव खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। वहीं धोनी 9.5 क्रेड के हल्का सा मिस हो गया फ्रेंड्स, तो एक हमें रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप उन्हें एकोमोडेट करना चाहते हैं अपनी टीम में, तो आप या तो डुप्लेसी को तो आपको टीम में रखना पड़ेगा, बेहतरीन प्लेयर शार्दुल ठाकुर है आपके पास ऑप्शन, नहीं तो फिर 9 क्रेडिट के साथ आप किसी अन्य प्लेयर के साथ जा सकते हैं, जो कि हो सकते हैं कोई भी फ्रेंड्स, उस रूडाना के साथ आप जा सकते हैं, और फ्रेंड्स किसी भी दूसरे प्लेयर जैसे करण शर्मा हमें एक चीप क्रेडिट ऑप्शन में मिल गए हैं, पर फिर भी एक बेहतरीन टीम हम अगर चाहते हैं अपनी टीम में, तो 3 बॉलर्स हमारे पास हो चुके हैं, 2 ऑलराउंडर्स हैं और 4 बैट्समैन हैं, तो एक और प्लेयर हमारे साथ हो सकता है। तो आप 8.5 क्रेडिट में किसी को भी अकोमोडेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसे केदार जाधव एक अच्छे ऑप्शन है, पर क्योंकि ये वो काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हुए हैं लास्ट मैच में, पर फिर भी आप उनके साथ जा सकते हैं, एक अच्छे प्लेयर है वो, बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, लास्ट मैच में पर बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक पारी खेली थी उन्होंने। चेन्नई की तरह से बात करूँ तो चेन्नई में दीपक चहर का एक और ऑप्शन, तो एक फ्रेंड्स 5 बैट्समैन 1 विकेटकीपर 2 ऑलराउंडर्स और 3 बॉलर्स की मैंने टीम बनाई हुई है। केदार जाधव इसमें ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो केदार जाधव की जगह एक और बॉलर भी खिला सकते हैं, 8.5 क्रेडिट आपके पास रहेंगे, आप किसी और बॉलर को भी के साथ भी जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे कैप्टनसी की बात करूँ तो कैप्टनसी मेरे फाफ डुप्लेसी एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे, सेफ ऑप्शन रहेंगे, और वाइस कैप्टन मैं देवदत्त पाटिकल को बनाना चाहूँगा, दोनों ही अच्छे प्लेयर्स हैं फ्रेंड्स। तो टीम अच्छी लगी तो फ्रेंड्स लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसी लगी टीम, हमारी एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कीजिए विद रेफरल कोड कैपिटल वाई कैपिटल टी, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए ताकि आपको लास्ट और फाइनल टीम ही देखने को मिले।